एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। तो देखिए गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं मोमोज। ये हमारी कद्दूकस करी हुई गाजर है और ये कद्दूकस करी हुई पत्ता गोभी। ठीक है, तो चलिए मोमोज बनाते हैं। ये देखिए गाइस, 2 से 3 स्पून हमने ऑयल डाल लिया है। अब डालेंगे जीरा अपना, तो ये हमारा 1/2 टेबल स्पून है जीरा। इसको तड़कने देते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा जीरा तड़क चुका है। अब इसमें हम डालेंगे वेजीज अपनी, बंद गोभी जो हमने मीडियम साइज की एक कद्दूकस कर ली है। ठीक है, तो इसको डालेंगे। और अब डालेंगे हम अपनी कैरेट, गाजर कद्दूकस की हुई, जिससे इससे इसका लुक और रंग दोनों ही बहुत 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 यूनिक आने वाला है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से तेज फ्लेम पर भून लेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको भूनते चलिए। ये देखिए, इसमें पानी सूख गया है। ठीक है, पानी सूखने की पहचान यही है कि नीचे तली में लगने लगता है। ठीक है, अब हम अपना ऐड करेंगे 1 स्पून सोया सॉस। सिर्फ 1 स्पून डालेंगे, इसको अच्छे से मिलाएंगे और फिर हल्का सा भून लेंगे। लेकिन नमक अभी नहीं ऐड करना है हमको। अगर नमक आप ऐड कर दोगे तो इस स्टफिंग जो है पानी छोड़ देंगे। तो 2 मिनट और भूनेंगे अच्छे से, जिससे जिसमें पानी की मात्रा ना रह जाए, कम की मात्रा कम रह जाए। तो इसको और करते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर स्टफिंग गीली रह जाए इसीलिए। चलिए देखिए, हम फ्लेम को बंद कर रहे हैं और हमारी स्टफिंग हो चुकी है। तो इसको अलग प्लेट में करेंगे ठंडा होने के लिए। इसी में ठंडा कर लेते हैं ताकि नमक मिलाने में आसानी रहे ना इसमें। ठीक है, तो इसी में ठंडा करेंगे, बाद में प्लेट में करेंगे। वीडियो हमारी स्किप मत करिएगा। ठीक है, देखते रहिएगा। फिर इसकी लाल चटनी हम बनाना बताएंगे, जो कि मोमोज के साथ खाई जाती है, काफी टेस्टी होती है। तो देखते रहिए हमारी वीडियो। लास्ट चटनी का चटनी हम लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो इसको ठंडा होने देते हैं। तो तब तक हम इसका डो लगा लेते हैं। देखिए, अभी हमारा लगभग थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है। तो इसमें 1 चुटकी हम डालेंगे ये काली मिर्च पाउडर। ठीक है, 1 चुटकी हमें काली मिर्च पाउडर डाल के मिला दिया है। अब ये और थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद हम नमक ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस, थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा डालना है, ज्यादा नहीं ऐड करना है। अब इसका डो लगाएंगे। ये देखिए गाइस, अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम डो लगाएंगे। देखिए, ना ज्यादा लूज डो लगाना है और ना ज्यादा हार्ड डो लगाना है। ठीक है, मुलायम डो लगाना है, बस ठीक ठाक हो मुलायम से। तो थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए डालना है और डो लगा लेना है इस तरह से। ये देखिए, हमारा डो लग चुका है। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और ढक के इसको रखेंगे। बस थोड़ा सा ऑयल हाथ पर लगाएंगे और इसमें रख के लगा के और रख देंगे। ठीक है, इस तरह से करके इसको ढक देंगे इस तरह से। ठीक है, तो उसको ढकते हैं, फिर मिलते हैं आपके। हमारी मोमोज और ठंडी हो चुकी है, तो इसमें नमक हम ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार। ये देखिए, 1 स्पून नमक ऐड कर देंगे आप। ठीक है, तो ये हमने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। तो इसको मिक्स करेंगे और अलग रखेंगे। ठीक है, आप इसमें प्याज डालना चाहें तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं, हमने प्याज नहीं ऐड किया हुआ है। तो देखिए, नमक भी मिल चुका है हमारा सारा। तो चलिए, आज हम कढ़ाई में बनाएंगे। ठीक है, आज हम कढ़ाई में बनाएंगे। ठीक है, जिसके पास स्टीमर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कढ़ाई में बनाते हैं। ये देखिए गाइस, हमने अपनी कढ़ाई ले ली है, इसमें पानी ऐड करेंगे। आज इसी कढ़ाई में हम स्टीमर बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए, 2 ग्लास के करीब हमने पानी ऐड कर दिया है। तो इसको रखेंगे फ्लेम पर। ये देखिएगा, आटा हो चुका है हमारा। तो इसको एक बार और ऐसे ऐसे करके मस लेंगे। ठीक है, और जब तक हमारा स्टीमर तैयार होता है तब तक हम मोमोज भर के रेडी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसको ऐसे रखते हैं और यहाँ पर सूखा आटा रखते हैं। देखिएगा, इस तरह से हम आधा पार्ट ले लेंगे, इस तरह से बढ़ाते हुए इनकी लोइयां कट करेंगे। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से एक बॉल कट करेंगे। ठीक है, नींबू की साइज की। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, इस तरह से गोल करते हुए ऐसे करेंगे और पतली पूड़ी की तरह बेल लेंगे। ठीक है, इस तरह से
इस तरह से बढ़ा लेंगे। बढ़ाते हैं तो ये देखिएगा ऐसे बेल लेंगे और इसमें एक स्पून स्टफिंग रखेंगे, ठीक है इस तरह से। और इसको अब हम लेते हुए ऐसे करके सिंपल सा, देखिए एक मिनट, इस तरह से कर लेंगे और हम इसे छोटी छोटी प्लेटें लगाएंगे ऐसे, ठीक है इस तरह से, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से ये देखिए छोरा बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए दूसरी भी इस तरह से ले ली है और इसमें भी एक स्पून भरेंगे स्टफिंग, ठीक है। और उसी तरह आप एक चीज देखिए ऐसे नहीं उस तरह से भर पा रहे, देखिए ऐसे करके बस हमको ऐसे से ऐसे प्लेट्स लगानी है इस तरह से, ठीक है इस तरह से, ये देखिए दिख रहा है आपको इस तरह, इस तरह से, ठीक है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से करके ये देखिए सारी प्लेट लग गई हैं। और बस अब इसको आपस में ही जोड़ देना है, ठीक है बस इस तरह से, इस तरह हल्का सा राउंड कर देंगे, देखिए बन गया इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से और भी बना लेंगे सारे, बना के मिलते हैं। ये देखिए गाइस हमारा स्टीमर तैयार है, तो अब इस चलनी में हम अपना ऑयल लगाएंगे, ग्रीसिंग करेंगे, ठीक है इस तरह से, जिससे कि हमारे इसमें मोमोज चिपके नहीं, ठीक है। तो इसमें सारे में हम लगा लेते हैं, ये देखिए इसमें भाप निकलने लगी है, ये देखिए। तो अब इसमें अपनी चलनी रखेंगे, ठीक है, और इसमें अब रखेंगे हम अपने सारे बनाए हुए मोमोज, ठीक है इस तरह से। ऑयल इसीलिए लगाया था, और थोड़ा सा दूर दूर रखेंगे जिससे कि पके अच्छे से और एक दूसरे में चिपके नहीं, ठीक है। तो इनको ऐसे हम पकाएंगे इस तरह से रखेंगे और पका लेंगे, फ्लेम को धीमा कर देंगे जिससे कि पानी जो है हमारा ऊपर ना आए, ठीक है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। तो सारे रखते हैं, ये देखिए इस तरह से, और अब इसको हम ढकेंगे यानी कवर करेंगे ऐसे, और इसको भाप में पकने देंगे, और फ्लेम को हल्का रखेंगे, बहुत ज्यादा हल्का भी नहीं, मीडियम फ्लेम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे इसको कम से कम 10 से 15 मिनट। ये देखिए आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर स्टीम भरने लगी है, तो इसी तरह से हम हल्की फ्लेम पर पकने देंगे। ये देखिएगा हमारे सारे पक रहे हैं अच्छे से, आपको एक बार दिखा देते हैं खोल के, ये देखिए, ठीक है। तो इसीलिए हमने आपसे कहा था कि दूर दूर रखिए ताकि ये चिपके नहीं, तो इनको हमें पकने देना है, ठीक है। इनके पकने की एक वो होगी अच्छे से देखिए कि एकदम ट्रांसपेरेंट दिखेंगे ये। ये देखिएगा 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसको हम खोलेंगे, ठीक है, और देखिए हमारे बन चुके हैं, तो इनको हम निकाल के रखते हैं बाहर, उसके बाद दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से निकाल कर हम सारे रखेंगे अलग प्लेट में, तो आप देखिएगा ये अभी ट्रांसपेरेंट दिखने लगेंगे। ठीक है गाइस हम आज बनाने जा रहे हैं मोमोज वाली चटनी, जो कि होटल वगैरह में बनती है। तो एक ही हमने टमाटर ले लिया है, ये 5 से 6 मिर्च हरी तोड़ के भिगो दी है बिल्कुल खौलते हुए पानी में, और इनके सीड्स भी निकाल के रख दिए हैं क्योंकि ये ज्यादा तीखी होती है। आपके पास कश्मीरी मिर्च पाउडर मिर्च हो तो ले लीजिएगा। और ये देखिए 10 से 12 कली लहसुन की, तो चलिए हम बनाते हैं चटनी। ये देखिए 2 टेबल स्पून हमने डाल लिया है ऑयल, ठीक है। इसमें ये डालेंगे हम जीरा, अगर आप जीरा स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम डाल रहे हैं। ये देखिए गाइस जीरा हो चुका है, आप अपना टमाटर जो कि चॉप किया हुआ है वो डालेंगे, लहसुन वो भी ऐसे डाल देंगे, ठीक है। ये देखिए इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, और ये देखिए ये लाल मिर्च जो भिगो के रखी थी पानी सहित ऐसे डाल देंगे, ठीक है, और इसको हम धीमी फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखिए इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा इसमें नमक ज्यादा ही रहेगा, ठीक है, और इसको धीमी फ्लेम पर पका लेंगे जब तक टमाटर वाले गल नहीं जाते तब तक के लिए। ये देखिए गाइस हमारा हो चुका है, तो इसको हम ठंडा करेंगे और ग्राइंड कर लेंगे, बंद कर देंगे ठंडा करके ग्राइंड करेंगे। ये देखिए हमारा ठंडा हो चुका है, तो इसको हम ग्राइंड करते हैं
और फिर मैं ये देखिए गाइस हमारी लाल चटनी बनकर रेडी है। ये देखिए तो चलिए अब चलते हैं मोमोज की तरफ। और एक बात, पानी की अगर कमी हो तो आप पानी ऐड कर सकते हैं, बट हमारे में पानी की कमी नहीं है तो हम इसको ऐसे ही रखते हैं। तो चलिए चलते हैं मोमोज की तरफ। ये देखिए गाइस हमारे मोमोज बिल्कुल रेडी हैं गर्मा गर्म सर्व करने के लिए। एक तोड़ के आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितने प्यारे, कितने जूसी अंदर तक पके हुए। और ये हमारी मोमोज की चटनी। तो अगर हमारी ये वीडियो पसंद आया आपको तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए हमारी मोमोज और चटनी की रेसिपी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।